नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं फेस टू फेस फील द चेंज, खबरें वही जो हो सही। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और पार्टी के जिला सचिव मंडल सदस्य कॉम्रेड विजय कांबले ने कहा कि भिवंडी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा पर भारी पड़ेंगे, इसीलिए हमने कांग्रेस का समर्थन किया है। कमले जी, क्या कहेंगे कि इस बार किस पार्टी को सपोर्ट रहेगा और क्या रणनीति रहेगी इलेक्शन की? इस लोकसभा 2019 में हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इसमें समिति है, उन्होंने तय किया था कि भाई बीजेपी के खिलाफ में जो वोट है वो बटे नहीं और उस सारी पार्टियां इकट्ठा मिलकर लड़े और बीजेपी के साथ में फेस टू फेस ऐसे एक पार्टी एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार ऐसे आए, ऐसे कोशिश में हमारी पार्टी लगातार थी। बहुत जगह पे महागठबंधन बन गया, बहुत जगह पे नहीं बना। भिवंडी के जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है इसमें हम जितनी भी हमारी संभावना थी वो सब सारे टटोल के उसके बाद में हम इस निर्णय पे आए हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का जो उम्मीदवार है सुरेश जी डावरे उनको सपोर्ट करने का हमने तय किया है और पार्टी बिल्कुल ये सोच रही है कि बीजेपी खिलाफ के जितने वो वोट है वो वोट बटे नहीं और वो एक ही उम्मीदवार को मिले, एक ही जगह पे मिले जो उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का आपका निर्णय क्यों लगा? और भी कई पार्टियां हैं, और भी कई गठबंधन है, खासकर कांग्रेस के ही सुरेश टावरे ही क्यों? कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है ऐसा हमारी सोच है और उसी के लिए हमने ऐसा सोचा कि वोट का बंटवारा नहीं करते हुए कांग्रेस के साथ जाएंगे तो यहाँ पे हम बीजेपी का उम्मीदवार को हरा सकते हैं। लगभग कितने वोटर्स आपके भाकपा के होंगे और क्या रणनीति रहेगी इलेक्शन की और टावरे का सपोर्ट किस प्रकार करेंगे आप? पार्टी पूरी ही पूरी की पूरी पार्टी बिल्कुल सक्रिय रूप से टावरे साहब का प्रचार करेगी। जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता है, जहाँ हमारे वोटर्स है उनके पास जाएगी और उनको इस पूरे प्रक्रिया के अंदर हम इन्वॉल्व करके लेंगे। बाकायदा हमारा काम हमने चालू कर दिया है ग्रामीण के अंदर, मुरबार, शाहपुर और भिवंडी ग्रामीण, जहाँ जहाँ है भिवंडी शहर के अंदर हमने छोटी छोटी मीटिंग लेके हम सब कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं इस मैदान में उतरने के लिए और जोर शोर से हम इस इलेक्शन का इसमें उतरेंगे। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। धन्यवाद।